है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम या रब, हमने दश्ते इमकां को एक नक्शे पा पाया। और बहुत सदमे की बात यह है कि गालिब ने ये शेर अपने दीवान में शामिल नहीं किया, ये उनका मनसूख शेर है। और गालिब ने कई ऐसे अशार अपने यहाँ से अपने दीवान में शामिल नहीं किए जो उनकी शेरी अज़मत पर जो हैं वो गवाह हैं, मतलब वो शेर निकालने से उनकी बुलंदी में कमी आई है। और वो शेर अगर दोबारा हम दाखिल कर दें तो हमें गालिब का कद बढ़ता हुआ महसूस होगा। ऐसे ऐसे अशार उन्होंने ख़ारिज कर दिए, जैसे ये कि कुछ शेर मुझे याद हैं कि तमाशाए गुलशन तमन्नाए चीदन, तमाशाए गुलशन तमन्नाए चीदन, बहार आफरीना गुनहगार हैं हम। अब ये जो इकॉनमी ऑफ वर्ड्स का जो की जो एक वो थी ताकीद एज़रा पाउंड की तरफ से, ये हमारे यहाँ इकॉनमी ऑफ वर्ड्स का एक बहुत बड़ा नमूना है जो शेर मैंने अभी सुनाया। इसी तरह खबर निगह को निगह चश्म को अदू जाने, खबर निगह को निगह चश्म को अदू जाने, वो जलवा कर के न मैं जानूं और न तू जाने। अब बताइए ऐसे ऐसे शेर निकाल दिए। और एक शेर तो ऐसा है कि उन्होंने अपने ऊपर तो जुल्म किया ही, हम सब को मजलूम बना दिया कि हूँ गर्मिये निशाते तसव्वुर से नगमा संज, हूँ गर्मिये निशाते तसव्वुर से नगमा संज, मैं अंदलीबे गुलशने ना आफरीदा हूँ। तो ऐसे ऐसे कई और अशार हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे, वो गालिब ने मनसूख कर दिया और पता नहीं किसके मशवरे या किसके दबाव पर। तो खैर ये शेर भी उन मनसूख अशार में से एक है, और इसको मनसूख करने की वजह गालिब ने ख़ुद बताई है कि ये पा पा ये जो तकरार है इससे तनाफुर सौती पैदा होता है, यानी कि आवाज़ में भद्दापन पैदा हो जाता है। तो ये बात ठीक है कि ये इसमें है एक आवाज़ में एक खामी है इस शेर के आहंग में, पा पा की वजह से जैसे एक रुकावट सी पड़ जाती है, लेकिन ये शेर अपनी इमेज अपने मानी और अपने लहजे की गूंज के साथ इतना बड़ा शेर है कि उसको बड़ा मानने में ये छोटी सी कमज़ोरी हारिज नहीं होती। और ऐसे कई अशार बड़े शायरों के हैं जिनमें इस तरह का कोई ऐप पाया जाता है, लेकिन वो इतने बड़े हैं अपनी बनावट में भी अपने कंटेंट में भी कि उस तरफ नज़र जाए तो कारी जो है वो ख़ुद अपने ऊपर नफरीन करने लगता है कि तुम जो है वो एक जैसे किसी बहुत बड़े आदमी के नाखून की ना हमवारी पे नज़र डाल रहे हो।